प्रथम क्लासेज स्टडी ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एसडी सर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है उत्तम क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आज का हमारा टॉपिक है वो है कार्बोकैसिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैसिलिक एसिड। कार्बोकैसिलिक एसिड की फिजिकल प्रावस्थाएँ भौतिक गुणधर्म किस प्रकार की होते हैं, कौन कौन से भौतिक गुणधर्म कार्बोकैसिलिक अम्ल प्रदर्शित करते हैं, उसमें सबसे पहला भौतिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म नंबर एक, वो है उनकी अवस्था। कौन सा भौतिक गुणधर्म है? अवस्था। अवस्था भी कह सकते हो आप, या हम कह सकते हैं इसको प्रावस्था। क्या कह सकते हैं? प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी ठोस है या ठोस है वो तीन प्रावस्थाओं में पाया जाता है। ठोस कितनी प्रावस्थाओं में पाया जाता है? मुख्यतः भौतिक वर्गीकरण के आधार पर तीन, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों प्रावस्थाओं में से कार्बोकैसिलिक अम्ल है वो कौन सी प्रावस्था में पाए जाते हैं? तो सबसे पहली है प्रावस्था या अवस्था। तो इसमें कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 9 तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल, कौन से यौगिक? कार्बोकैसिलिक अम्ल। कार्बन 1 से 9 तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल, एक तो होते हैं रंगहीन। क्या होते हैं भाई? रंगहीन, किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। रंगहीन द्रव प्रावस्था में होते हैं। क्या होता है? द्रव होता है, या द्रव प्रावस्था में पाए जाते हैं। दूसरी बात करें तो कार्बन 9 से उच्चतर कार्बोकैसिलिक अम्ल, ये भी रंगहीन होता है, इनका भी रंग नहीं होता है, ये भी रंगहीन और पाए जाते हैं मोम के समान ठोस प्रावस्था में। रंगहीन होता है और कौन सी प्रावस्था में पाए जाते हैं? मोम के समान होता है और कौन सी प्रावस्था में पाए जाते हैं? ठोस प्रावस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया पहला प्रावस्था या अवस्था, कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल रंगहीन द्रव प्रावस्था में, और इससे उच्चतर होता है वो कार्बोकैसिलिक अम्ल रंगहीन मोम के समान ठोस प्रावस्था में पाए जाते हैं। दूसरे इनके भौतिक गुणधर्म की बात की जाती है तो वो है उनकी गंध किस प्रकार की होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में बात की जाती है कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 3 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है। कैसी गंधयुक्त होता है? तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है। इनकी गंध है वो तीक्ष्ण आती है, नाक में जलन महसूस होती है। कहाँ से कहाँ तक? कार्बन 1 से कार्बन 3 तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल की। इससे उच्चतर मीन्स कार्बन 4 से लेकर के कार्बन 9 तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल, कौन से यौगिक? कार्बोकैसिलिक अम्ल। ये है वो होते भाई सड़े मक्खन के समान गंधयुक्त होते हैं। जिस प्रकार से मक्खन कई दिन तक रहता है और उसमें कैसी गंध आती है, उसके समान गंधयुक्त होते हैं। और कार्बन 9 से उच्चतर कार्बोकैसिलिक अम्ल, कौन से यौगिक? कार्बोकैसिलिक अम्ल। ये होते हैं गंधहीन। क्या होते हैं भाई? गंधहीन, इनकी कोई भी गंध नहीं होती है, गंधहीन होता है। ये हो गया दूसरा भौतिक गुणधर्म, वो है गंध। पहली थी अवस्था या प्रावस्था, दूसरा है गंध। तीसरा भौतिक गुणधर्म है वो है इनकी विलयता। कौन सा भौतिक गुणधर्म है भाई? विलयता में बात करें तो कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल
कहां से कहां तक? कार्बन एक से कार्बन चार तक के कार्बोकैसिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ बनाते हैं प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहली पहली बात करें विलयता में इसकी, तो ये लिख दी हमने कार्बन एक से लेकर के कार्बन चार तक के कौन से यौगिक? कार्बोकैसिलिक अम्ल, कार्बोकैसिलिक अम्ल। कार्बन एक से लेकर के कार्बन चार तक के जो कार्बोकैसिलिक अम्ल होते हैं जल में विलय है, जल में क्या है भाई? विलय है। और अगर आपसे कोई पूछे विलय क्यों है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं जो जल के साथ बनाते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। किस प्रकार का बनता है वो भी बना करके देख लेते हैं हम। ये है जैसे आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया ओ एच, ये हो गया दूसरा अणु, ये आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये एच। जल का अणुसूत्र क्या होता है? एच ओ एच। तो ये लिख दिया हमने एच, ये लिख दिया हमने ओ और ये लिख दिया हमने एच, हो गया एच ओ एच। और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हम और लिख देते हैं, ये लिख दिया आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये एच। एक और लिख सकते हो आप, ये लिख दिया आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये एच। ये क्या करता है जल का अणु? और हम जानते हैं जब हाइड्रोजन के पास फोन आता है, हाइड्रोजन के पास क्या आता है? फोन मीन्स हाइड्रोजन परमाणु के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का परमाणु आता है, तो वो उसके साथ बनाता है अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एच है, ये ओ है, ये बना लेगा यहाँ से अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कारण कार्बन चार तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? जल में विलय होता है। परंतु कार्बन चार से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें ये एल्गिल समूह बढ़ेगा, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो एल्गिल समूह बढ़ेगा, और एल्गिल समूह बढ़ने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की ध्रुवणता के मान में, किसके मान में? ध्रुवणता के मान में कमी होती है। इस कारण ये जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो ये अगला भौतिक गुणधर्म हो जाएगा, कार्बन चार से उच्चतर कार्बोकैसिलिक अम्ल, उच्चतर कार्बोकैसिलिक अम्ल, कार्बोकैसिलिक अम्ल जल में अविलय होता है। जल में क्या होते हैं भाई? अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। और अविलय क्यों होते हैं? क्योंकि एल्गिल समूह का आकार बढ़ने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की ध्रुवणता के मान में क्या होती है? कमी होती है। जल में अविलय है तो हम सीधा सा कह सकते हैं ये किस में विलय होंगे? कार्बनिक विलायकों में विलय होंगे। तो अगली बात विलयता में ये हो जाएगी, कार्बन चार से उच्चतर कार्बोकैसिलिक अम्ल, उच्चतर कार्बोकैसिलिक अम्ल, कार्बोकैसिलिक अम्ल जल में तो अविलय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे? कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक मीन्स अध्रुवीय विलायक में विलय होता है। क्या होता है? विलय होता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? अध्रुवीय प्रवृत्ति के ये हो जाते हैं। ये तीसरा भौतिक गुणधर्म हो गया विलयता। कार्बन एक से कार्बन चार तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं, जल के साथ बनाते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन चार से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जल में अविलय है, क्योंकि ये कैसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं? अध्रुवीय प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और इस कारण जल में अविलय है तो कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे? विलय। और कार्बनिक विलायक का मतलब आप ले सकते हो ईथर, या ले सकते हो CCl4, या ले सकते हो CHCl3, या ले सकते हो बेंजीन। इन सभी यौगिकों में ये क्या होता है? विलय होता है। ये भौतिक गुणधर्म नंबर हो गया तीन। फिर देखते हैं चौथा भौतिक गुणधर्म। नंबर चार भौतिक गुणधर्म है वो है क्वथनांक। क्या है भाई? क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। कौन से यौगिकों का? कार्बोकैसिलिक अम्लों का। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक है वो समानुपाती होता है अणुभार के। सबसे पहले हम कह सकते हैं इनका जो क्वथनांक है ये क्वथनांक समानुपाती होता है किसके? अणुभार के। मीन्स जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे हम अलग अलग अणु लेते हैं, एक में कार्बन परमाणु की संख्या एक है, एक में दो है, एक में तीन है। तो ये ले लिया एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH, एक में दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, एक में तीन वाला ले लिया
CH3CH2COOH। एक में कार्बन एक है, एक में दो और एक में तीन है। अणुभार बढ़ा, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वथनांक के मान में भी क्या होगी भाई, वृद्धि। अर्थात ये क्वथनांक का कौन सा क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम। और क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्यों है, क्योंकि क्वथनांक समानुपाती होता है किसके, अणुभार के। ये क्वथनांक का पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात करें समावयवी यौगिकों में, कौन से यौगिकों में, समावयवी में, तो ये लिख दिया हमने समावयवी, समावयवी यौगिकों के क्वथनांक, समावयवी यौगिकों के क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं पार्श्व श्रृंखला के, किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, पार्श्व श्रृंखला के। पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो उनके क्वथनांक के मान में क्या होगी भाई, कमी होगी। पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक के मान में क्या होती है, कमी होती है। कैसे कमी होती है, तो हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, वो ले लिया ये C4H9COOH। ये कोई एक कार्बोकैसिलिक अम्ल है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है। एक में ये जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह में देखें तो 4 कार्बन है, ये 4 के 4 एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मतलब इस प्रकार का यौगिक है। ये हो गया CH3CH2CH2CH2, C4H9 हो गया और इससे जुड़ गया COOH समूह। एक में ये एल्किल समूह यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता है, मतलब ये संरचना बन जाती है इस प्रकार की, ये CH3, ये CH2, ये CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये बन गया CH3 और ये बन गया COOH। एक में ये यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु यहाँ आ जाता है, इस प्रकार की संरचना बन जाती है वापस, ये बन गया, ये हो गया CH3, ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ CH3, इससे भी जुड़ा हुआ CH3 और इससे जुड़ जाएगा COOH। ओके, अब हम इसको गौर से देखें तो ये जिस कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 1। ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, समूह है, और ये कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 2 है। ये रहा कार्बोक्सिलिक समूह और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 3। जितने एल्किल समूह होंगे उतनी पार्श्व श्रृंखला होगी और जितनी पार्श्व श्रृंखला होगी उतना ही क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। इसमें पार्श्व श्रृंखला 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितनी है, 3। पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा, कम। तो इन चारों यौगिकों में अगर क्वथनांक की बात की जाए तो सर्वाधिक क्वथनांक कौन से यौगिक का है, पहले का, उसके बाद दूसरे का, सबसे कम किसका है, तीसरे का। तो ये क्वथनांक का कौन सा क्रम हो जाएगा भाई, घटता क्रम। सर्वाधिक हो जाएगा पहले का, फिर दूसरे का, सबसे कम किसका होगा, तीसरे का। मतलब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम, बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा क्रम, घटता क्रम। और घटता क्रम क्यों है, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला बढ़ रही है, इस कारण क्वथनांक के मान में क्या होती है, कमी होती है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट क्वथनांक में। तीसरी बात की जाती है लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक, इथर, कार्बोनिल यौगिक व एल्कोहल, इन सब की तुलना करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक इन सभी यौगिकों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कौन कौन से यौगिकों से, हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन। दूसरा यौगिक ले लिया हमने इथर, तीसरा यौगिक ले लिया हमने कार्बोनिल यौगिक, कौन सा यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। चौथा यौगिक ले लिया हमने एल्कोहल, कौन सा यौगिक ले लिया, एल्कोहल, जिसको अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं ROH। इन सभी यौगिकों की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल मीन्स कौन सा अम्ल, RCOOH, या नाम लिख दो कार्बोकैसिलिक अम्ल, इस कार्बोकैसिलिक अम्ल के क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इन सभी यौगिकों की तुलना में लगभग समान अणुभार वाले यौगिकों की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक। इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है मीन्स कार्बोकैसिलिक अम्ल में पाया जाता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, जिसके परिणाम स्वरूप ये बनाते हैं द्विउलक, किसका निर्माण करते हैं, डाइमर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की संरचना बनती है, जैसे ये R, ये C, डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, ये पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु है, ये R, ये C, डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। और हम जानते हैं जब हाइड्रोजन के पास फोन आता है तो वो कौन से बंध का निर्माण करता है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध का, ये बना लिया अंतराणु हाइड्रोजन बंध,
ये भी बना लिया अंतराणु हाइड्रोजन बंध, और ये दोनों अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या हो गए, जुड़ गए, और इसके परिणाम स्वरूप ये जो संरचना बनी, इस संरचना को कहते हैं ड्यूलक। क्या कहते हैं भाई? ड्यूलक। डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर। और डाइमर बनने के कारण इनका अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। और अणुभार दुगुना हो जाता है, इस कारण इनके क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन इथर कार्बोनिल यौगिक, जिसके अंतर्गत दो क्रियात्मक समूह आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उन दोनों से और एल्कोहल की तुलना में इनके क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक। और अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं? डाइमर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? डाइमर। डाइमर बनने के कारण इनका क्वथनांक होता है अधिक। अब हम पांचवें गुणधर्म की बात की जाती है, तो पांचवा इनका भौतिक गुणधर्म है वो है गलनांक। कौन सा है? गलनांक, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं मेल्डिंग पॉइंट के द्वारा। वो था बॉइलिंग पॉइंट और ये है मेल्डिंग पॉइंट। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक है वो कार्बन एक से लेकर के कार्बन दस तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके गलनांक है वो अनियमित रूप से परिवर्तित होता है। तो ये हमने एक कह दिया कार्बन एक से कार्बन दस तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक अनियमित अनियमित रूप से परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, अनियमित रूप से परिवर्तित होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि एक तो होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है। कार्बन परमाणु किस संख्या में होते हैं? कार्बन परमाणु सम संख्या में होता है। कैसी संख्या में होता है? सम संख्या में होता है। और एक वह कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु विषम संख्या में होता है। कार्बन परमाणु कौन सी संख्या में होता है? विषम संख्या में होता है। तो जिसमें सम संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक विषम परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और सम वाले के गलनांक इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि इनका आकर्षण बल है, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, और प्रबल होने के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और कौन से यौगिकों की हम बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कौन से यौगिक की बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सम है उनका गलनांक अधिक होगा और विषम है उनका कम होगा। और सम वाले का अधिक क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल है वो क्या होता है? प्रबल होता है। और ये प्रबल होता है और ये दुर्बल क्यों होता है? उसका हम अध्ययन करते हैं एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर। एक्सरे विवर्तन, कौन सा विवर्तन? एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर इनकी अगर संरचना देखी जाती है सम और विषम कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो इस प्रकार की होती है। जैसे एक अणु ले लिया जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या है चार, और एक अणु ले लिया जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या है पाँच। चार वाला तो होगा सम, पाँच वाला कैसा होगा? विषम। तो चार वाले की संरचना इस प्रकार की होगी। यह है जैसे CH3 एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और एच हो गया। चार कार्बन वाले यौगिक की संरचना सम वाले की, और विषम वाले की संरचना देखते हैं। तो ये देख ली विषम वाले की संरचना, ये हो गया CH3 एक, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच। सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखते हैं तो ये तो है एल्गिल समूह लास्ट वाला, मीन्स प्रारंभ में जहाँ से शुरुआत हुई लास्ट ही लास्ट, और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन दोनों की बनावट देखें तो एक में कार्बोक्सिलिक अम्ल है ऊपर की तरफ है एल्गिल समूह, नीचे की तरफ है, विपरीत दिशा में है ये प्लस और है नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ है, इस कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है प्रबल। और इसमें देखेंगे तो ये रहा एल्गिल समूह और ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, दोनों एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में होने के कारण इनके मध्य जो आकर्षण बल बनता है एक अणु का दूसरे अणु के मध्य, वो आकर्षण बल होता है दुर्बल। इस कारण सम वाले का क्वथनांक है वो अधिक होता है और विषम वाले का क्वथनांक है वो क्या होता है? कम होता है। ये कौन कह रहा है? एक्सरे विवर्तन आंकड़े कह रहे हैं। ये हो गए कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस देख लो पांच गुणधर्म है। सबसे पहला गुणधर्म है अवस्था या प्रावस्था। तो अवस्था में हमने देखा कार्बन एक से कार्बन नौ तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल है रंगहीन द्रव प्रावस्था में, कार्बन नौ से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो मोम के समान ठोस प्रावस्था में पाए जाते हैं,
गंध की बात की जाती है तो कार्बन एक से कार्बन तीन तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होते हैं। कार्बन चार से कार्बन नौ तक के हैं वो होते हैं सड़े हुए मक्खन के समान गंध वाले, और नौ से उच्चतर होते हैं वो गंधहीन होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है। फिर विलेयता की बात करें तो विलेयता में कार्बन चार तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बन चार तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जल में विलय होते हैं। किसमें विलय होते हैं? जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ बनाते हैं प्रभावी अंतराणु हाइड्रोजन बंध, और इनकी प्रवृत्ति होती है वो होती है ध्रुवीय प्रवृत्ति। कार्बन चार से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जल में अविलय होते हैं। जल में क्या होता है? अविलय। उसका कारण है एल्गिल समूह का आकार बढ़ता है, इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल वो अध्रुवीय प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जैसे ही जल में अविलय होंगे तो कौन से विलायकों में विलय हो जाएंगे? कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायक का मतलब अध्रुवीय विलायक। ये हो गई इनकी क्या? विलयता। फिर बात की जाती है क्वथनांक की, तो क्वथनांक के तीन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो है क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। दूसरा है समावयवी यौगिकों में देखोगे तो समावयवियों के क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक के मान में क्या होगी? कमी। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हमने C4H9COOH, इनके क्वथनांक का देखा तो एक में एक पार्श्व श्रृंखला है, एक में दो है, एक में तीन है, तो जिसमें एक पार्श्व श्रृंखला है उसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा और तीन वाले का सबसे कम। अगली बात की जाती है अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना की जाती है हाइड्रोकार्बन यौगिक इथर कार्बोनिल यौगिक एल्कोहल, तो इन सब की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक है वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये भौतिक गुणधर्म में क्वथनांक के तीन पॉइंट हो गए। फिर बात की जाती है गलनांक की, तो गलनांक कार्बन एक से लेकर के कार्बन दस तक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके गलनांक अनियमित रूप से परिवर्तित होते हैं, किसी का ज़्यादा होता है तो किसी का कम हो जाता है। उसका कारण है सम वाले का ज़्यादा होगा और विषम वाले का कम, और सम का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इनके आणविक अवस्था है वो क्रिस्टलीय होती है, मीन्स इनके बीच में आकर्षण बल है वो प्रबल होता है, और प्रबल क्यों होता है वो जानकारी आती है एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर। संरचना देखते हैं तो इसमें एल्गिल समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति है वो अलग अलग होती है, एक नीचे की तरफ होता है एक ऊपर की तरफ होता है, इस कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो क्या होता है? प्रबल। जबकि विषम वाले की संरचना देखते हैं दोनों की स्थिति है वो एक तरफ होती है, इस कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है दुर्बल, और दुर्बल होने के कारण इनके गलनांक कम होते हैं, इनके गलनांक अधिक होते हैं। ये तो हो गए कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अब ले लो आप एक इसका स्क्रीनशॉट। ये जैसे दो क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम बताना, दो यौगिक दे रखे हैं। और एक क्वेश्चन है निम्न में से गलनांक अधिक किसका है, मेल्टिंग पॉइंट अधिक किसका है वो बताना। पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तो क्वथनांक के बारे में हम तीन बातें जानते हैं, क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है, क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पार्श्व श्रृंखला कब देखनी है? जब समावयवी है, मीन्स अणुभार समान है। और चौथा, अगर यौगिक अलग अलग प्रकार के, मतलब कार्बोहाइड्रेट है या इथर है या कार्बोनिल यौगिक है या एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कैसा यौगिक है, वो तीन बातें हमने नोट की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो सब में कार्बोक्सिलिक समूह है, ये रहा COH समूह, ये रहा COH समूह, ये रहा COH, COH और COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही अणु हैं सारे के सारे। दूसरी बात नोट करते हैं, इस पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? चार। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? चार और एक पाँच, पाँच कार्बन है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे तो एक दो तीन चार, चार कार्बन है। और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे तीन चार और पाँच, तो दो यौगिक तो है चार कार्बन के, दो यौगिक है पाँच कार्बन के। अणुभार समानुपाती होता है क्वथनांक के, तो कम तो होगा चार वाले का, ज़्यादा किसका होगा? पाँच का। चार में अब दो दे रखे हैं, इसमें देखेंगे तो ये रहा समावयवी यौगिक है ये दोनों, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक समूह, उस पर एल्गिल समूह की संख्या कितनी है? एक। ये रहा कार्बोक्सिलिक समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ, जिस पर एल्गिल समूह की संख्या कितनी है? दो। तो इन दोनों में से क्वथनांक ज़्यादा किसका होगा? पार्श्व श्रृंखला व्युत्क्रमानुपाती होते हैं क्वथनांक के, तो इन दोनों में से ज़्यादा किसका होगा? ऊपर वाले का, कम किसका होगा? नीचे वाले। फिर ये तीन यौगिक है, इसमें भी पांच कार्बन है, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, इसमें जिस कार्बन से COH समूह जुड़ा हुआ है उस पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है? दो। इसमें जिस कार्बन से COH समूह जुड़ा उस पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है? एक। और इसमें जिस कार्बन से COH समूह जुड़ा उस पर एल्किल समूह की संख्या कितनी है? तीन। यहाँ पर तीन एल्किल समूह है, यहाँ पर एक है,
यहां पर कितने एल्गिल समूह है? दो। और पार्श्व श्रृंखला वित्त क्रम अनुपाती होता है क्वथनांक का, ये जानते हैं। और इसका हमें कौन सा क्रम लिखना है? क्वथनांक का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम लिखना, बढ़ता क्रम। तो पहले चार कार्बन आएगा, उसके बाद में कौन सा यौगिक आएगा? पांच कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। चार में इसमें पार्श्व श्रृंखला कितनी है? एक। इसमें कितनी है? दो। दो वाले का कम होगा तो ये यौगिक आ जाएगा सबसे पहला। कौन सा यौगिक है? CH3COOH। इससे ज्यादा का क्वथनांक होगा इस यौगिक का, ये यौगिक है CH2COOH। फिर पांच कार्बन वाला, इसमें पार्श्व श्रृंखला कितनी है? तीन। यहाँ पर एक या दो पार्श्व श्रृंखला व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो फिर उसके बाद आ जाएगा यौगिक ये पांच कार्बन वाले में CH3 का होल थ्राइज CCOOH। इससे आ जाएगा दो श्रृंखला वाला, मीन्स ये यौगिक आ जाएगा CH3CH2CH CH3COOH। और सर्वाधिक हो जाएगा इसका, इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पांच कार्बन वाला है, ये हो गया CH3CH2CH2CH2COOH। ये हो जाएगा क्वथनांक का कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। ओके भाई, दूसरा यौगिक है ये, इसमें देखेंगे तो इसमें ये रहा COOH समूह, मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये रहा CHO समूह, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड, कार्बोनिल यौगिक। इसमें देखेंगे तो इसमें OH समूह, मीन्स क्या हो गया? एल्कोल। इसमें देखेंगे तो ये क्या है? ROR, कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? इथर। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अब हम जानते हैं क्वथनांक, देखते हैं सबसे कम हाइड्रोकार्बन, उसके बाद इथर, उसके बाद कार्बोनिल यौगिक, उसके बाद एल्कोल, और एल्कोल से ज्यादा किसके होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। अब हम लिखते हैं इनका क्वथनांक का बढ़ता क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। सबसे पहले कौन सा यौगिक आएगा? हाइड्रोकार्बन यौगिक आएगा। कार्बन परमाणु की पी संख्या देखोगे लगभग समान है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन यौगिक ये आ गया, क्या है? C5H12 है। उससे ज्यादा हो जाएगा इथर का, कौन सा इथर है? एथोक्सी एथेन, ये हो गया एथोक्सी एथेन C2H5O C2H5। उसके बाद हो जाएगा कार्बोनिल यौगिक, ये रहा कार्बोनिल यौगिक CH3CH2CH2CHO। इसके बाद में आ जाएगा कौन सा यौगिक? एल्कोल, ये रहा एल्कोल CH3CH2CH2CH2OH। और उसके बाद में आ जाएगा कौन सा यौगिक? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3CH2CH2COOH। ये हो गया क्वथनांक का बढ़ता क्रम। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु है, तब तो वहां देखना अणुपार, उसके बाद देखने पार्श्व श्रृंखला, अलग अलग प्रकार के यौगिक है तो उनमें देखना सबसे कम हाइड्रोकार्बन यौगिक का, सर्वाधिक किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें कौन सा पॉइंट देखना हमें? गलनांक। और हम गलनांक में दो बातें देखी है, सम वाले यौगिक लगभग समान वाले यौगिक होंगे तो सम का अधिक होता है और विषम का कम होता है, क्योंकि सम में आकर्षण बल प्रबल होता है और विषम में दुर्बल होता है। और एक्सरे विवर्तन आंकड़ों से संरचना देखते हैं, सम में एल्किल और कार्बोक्सिलिक समूह विपरीत दिशा में होते हैं, विषम में समान दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम एक कार्बन परमाणु की संख्या 2, 3, 4, 5, 6, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इसमें कार्बन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने कार्बन है? 7। और 7 कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए, परंतु यहाँ पर गलनांक है वो ज़्यादा किसका होगा? 6 कार्बन वाले यौगिक का। गलनांक ज़्यादा किसका होगा? 6 कार्बन वाले यौगिक का गलनांक ज़्यादा होगा और 7 कार्बन वाले का कम होगा, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या विषम संख्या में और सम वाले का अधिक होता है, क्योंकि इसमें आकर्षण बल अधिक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 कार्बन। और यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या देखेंगे तो कितने कार्बन है? 3। तो ज़्यादा गलनांक किसका होगा? 4 कार्बन वाले का। अंतर अगर कम है, मतलब एक का ही अंतर होना चाहिए, तब तो जिसमें सम संख्या उसका ज़्यादा होगा, अंतर ज़्यादा का हो गया। जैसे गलनांक अगर इसका पूछ लें HCOOH, एक तो यौगिक है ये और एक यौगिक है ये C4H9COOH, और इन दोनों में से पूछ ले गलनांक, इनमें अंतर ज़्यादा कार्बन का है, कितने का अंतर है? 3 का। तो गलनांक ज़्यादा पूछे, ज़्यादा किसका होगा?
पांच वाले का कम किसका होगा, एक का, मेल्डिंग पॉइंट पूछे तो अंतर केवल एक का ही है, तो सम का ज्यादा होगा और विषम का कम होगा। ये हो गए इनके गलनांक और क्वथनांक, मींस भौतिक गुणधर्म और विलयता कार्बोकैसिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं वो, उस पर दो चार क्वेश्चन देख लिए, इसका भी ले लो आप एक स्क्रीनशॉट। ये हो गए भाई कार्बोकैसिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैसिलिक एसिड, उस पर हमने पांच प्रकार के भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं कार्बोकैसिलिक अम्ल, वो देखे, फिर इन पर दो क्वेश्चन करके देखे। ये हो गए भौतिक गुणधर्म और उन पर आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बोकैसिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, उस क्लास के साथ ही हमारा ये जो बारहवां लेसन चल रहा है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकेंड, यह क्लास हो जाएगी हमारी कंप्लीट, या ये लेसन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।